गाइस प्रॉब्लम नंबर 10 के अंदर देखो, एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, कह रहा है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे आंसर करवा रहा है ये, हो सकता है एग्जामिनर आपसे बाय वे में ये क्वेश्चन पूछ ले कि एक बेसिक डिफरेंस बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। खैर आपसे एग्जामिनर पूछे ना पूछे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा गया है, पंजाब ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मसला कर लेते हैं, अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगानी शुरू कर देगा, हैंस इसका जो स्पीड है वो चेंज होना शुरू कर देगा। रुका हुआ है, फोर्स लगेगी तो ये मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड चेंज होती चली जाएगी, इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलना शुरू कर देगी। ठीक है, अगर ये रुका हुआ है तब भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल पर, अगर ये चार्ज पार्टिकल चल रहा था पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर और फोर्स लगानी शुरू कर देगा। तो कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो या चलता हुआ हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता ही है, फोर्स लगाने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तभी लगाएगा चार्ज पार्टिकल पर जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये फोर्स तभी लगता है जब चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो, अगर वेलोसिटी नहीं है तो ये फोर्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये, जब ये फोर्स लगना शुरू हो जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है चार्ज पार्टिकल के पास वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल चलता हुआ आया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो जो भी उसकी ट्रिजेक्ट्री बनेगी उसमें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, वेदर अ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट और इन मोशन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जर्ट अ फोर्स ऑन इट एंड चेंजेस इट्स स्पीड एंड हैंस इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र था, अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट अ फोर्स ऑन एन चार्ज पार्टिकल ओनली वैन इट इज इन मोशन। ये वाली बात ध्यान रखना, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता, इन अ मैग्नेटिक फील्ड देर इज नो चेंज इन द स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। बात समझ में आ गई ना, वही बात जो मैंने एक्सप्लेन की थी वही बात लिखा हुई है। थैंक यू सो मच गाइज़।